कोई तो बात होगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज क्या है, आज था मुन्ना भाई ने हम सबको जाने के पहले पार्टी देना था, तो हम लोग अभी जा रहे थे मरिंजा मटन लेने के लिए। और बीच में क्या हो गया, यहाँ पे बारिश आ गया जिसके वजह से हमको कहीं पे रोकना पड़ा, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रहा था। इतना बारिश यूजुअली पंजाब में होता नहीं है। गाइस हम लोग बाजार करके आ गए हो। अभी मुन्ना भाई यहाँ पे मटन बना रहा है। क्या क्या लेके आया देख रहे हो, यहाँ पे मसाला भून रहा है मटन के लिए। मटन किधर है? ये है मटन जो 2 किलो है, और बनेगा चिकन। इसमें चिकन है। अभी क्या करना है मुन्ना भाई, इसको मसाला भूनने के बाद? कलर मसाला भूनने के बाद मटन डालना है। तो बढ़िया है भाई, बढ़िया आ रहा है, टेस्ट से पता होना चाहिए। टेस्ट सही आएगा तो सही है। सही आएगा भाई। तो मैं कुछ हेल्प करूँ क्या अभी? कर सकते हो? कर सकता हूँ मैं। ऑनियन काट दो और क्या करो, और कुछ नहीं करने वाला, ऐसे ऑनियन मैंने दो बोला। कुछ क्या करो, भी नहीं, पहले ग्रेवी टेस्ट करके देखो क्या करना है। ग्रेवी अभी हुआ नहीं है ना। एक बात बोलूँ ना भाई, इसके अंदर मटन दे दो, मटन के साथ ही भूनते रहे, मसाला अंदर जाएगा तो सही आएगा। मसाला जितना भूनना था हो गया, अभी नहीं मतलब करोगे तेल छोड़ पानी दिया ना, डाल के। तेल को हाँ, छोड़ पेट दिया। तेल छोड़ दिया, अभी इसको करना पड़ेगा, मटन को इसको दे दो मुझे लग देख रहा है इधर के। कोई कमी है, थोड़ा टेस्ट करके देखो तुम, अरे इसमें पता नहीं चलेगा थोड़ा पता चलेगा क्या कमी है, फिर बोलो। तुम्हारा मिर्च सही है या नहीं, नमक सही है या नहीं, तो थोड़ा ये दे मुझे दो, फिर इसके साथ मिक्स होगा, फिर पता चलेगा। मेरे को ऐसा पता नहीं चलता, मटन डाल दो। क्यों, तुम कैसा शेफ हो, तुमको पता नहीं चलता मैं शेफ हूँ ही नहीं। इसलिए। डाल दो बिस्मिल्लाह बोल के। 2 किलो आ जाएगा इसमें, ना तो रहेगा, आ गया पूरा। बस 2 किलो। और अभी यहाँ पे हो रहा है चिकन, धो लो। मैं प्याज काट दूँ क्या? हाँ प्याज काट दो, नहीं कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, कोई बात नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। करूँगा कोई तो बात होगा ही नहीं, जब काम करूँगा तो बात क्या होगा, बात तब होता है जब काम नहीं है। इसको ढक के रख देते, इसके अंदर से पानी छोड़ जाएगा। मुन्ना भाई कितना दूर हुआ, या क्या, ये किस लिए, और भी। यहाँ पे क्या हाल है, दिखाना एक मिनट। अच्छा भून रहे, और भूने दो, मैं थोड़ा सा बाहर से आ रहा हूँ 10 मिनट के लिए। ठीक है। उसके बाद मैं सौरभ के साथ थोड़ा बाहर आ गया था, जैसे मेरे को काम नहीं करना पड़ा इसलिए मैं बाहर तो आ गया। यहाँ प्याज पे क्या हो रहा है मुन्ना भाई, क्या करना है इसको, अभी प्याज को फ्राई करके इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके चिकन में डालना है। उसके बाद तेल में चिकन डालना है। भाई ये लोग कितना गंदा है, मेरे से ज्यादा गंदा है। मेरे को लगता था मैं अकेले गंदा हूँ यार, किसी सभी को गंदे। ब्लेम मत नहीं करो। एक्चुअली क्या हुआ ना, एग्जाम है ना जिसके वजह से सब वो है साफ करने का। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो चिकन भुन रहा है, मटन बन चुका था, और यहाँ पे इतना बड़ा पतीला में चावल दिया था, क्योंकि हम 6 लोग हैं और मुन्ना भाई 2 किलो चावल बना रहा था। पता नहीं इतना चावल को किसने खाया नहीं, बाद में वेस्ट हो गया था। और ये रहा मटन का फाइनल लुक, बहुत ही अच्छा बना था, और चावल हुआ नहीं था, और 12 बज गया था, हम सबको भूख लगा है। इधर मैं आज हमको बोल रहा था भाई जल्दी से सलाद काट लो, मतलब सब कुछ रेडी कर लेते हैं, और हम अभी भी चावल का इंतज़ार ही कर रहा था, इतना मतलब भूख लग गया था, क्योंकि 1 बजने वाले थे। और दोपहर से सब काम पे बिजी है, इसीलिए ज़्यादा ही भूख लग गया था। अभी यहाँ पे आकाश सबको खाना सर्व कर रहा है, सब कुछ आ गया, केबिल केबिल तो नहीं है, नीचे बैठ के खाना खाया था हम लोगों ने। उसके बाद आज हमने यहाँ पे सबको परस रहा है, मतलब साफ़ कर रहा है। एक काम यूजुअली मैं ही करता हूँ, पर अब मेरे को ये काम अच्छा नहीं लगता है, मतलब सीनियर लोग थोड़ा होता है ना, जूनियर से कराता है, कराता नहीं हूँ मैं एक्चुअली, वो खुद ही कर रहा था, मैं बोला था कर दो, वो कर रहा था। और हम लोग मतलब 5 लोग थे, 2 किलो मटन 1 किलो चिकन। मटन इतना खाया था, चिकन किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, मतलब इतना भर भर के खाया था, फिर भी मैंने बचा था। उसके बाद यहाँ पे देखो हम सब लोग जॉय में, अलमिन भाई नहीं था उस टाइम, बाहर गया था थोड़ा, आज हम यहाँ पे मस्ती कर रहा है सब लोग मिल के अल्हम्दुलिल्लाह। मुन्ना भाई इतना मेहनत से हम सबके लिए खाना बनाया, और बहुत ही बढ़िया बना था। और यूजुअली देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने खाना खा लिया था, ऐसा ही होता है, मेरा खाना बहुत जल्दी मैं खा लेता हूँ, और इतना सा चावल बच गया था, मतलब मैंने मेरे को लगा था बहुत बचेगा, पर इतना भी ज़्यादा नहीं बचा था, मतलब ठीक ही है, और एक बंदा खा सकता है या एक दो बंदा खा सकते हैं।
उसके बाद हो गया था बहुत रात, 1-1.5 बज गया था, मेरे को जाना था रोम। मैंने सौरभ को फिर बुला लिया, भाई मेरे को थोड़ा छोड़ दे यार, मेरे को अकेला जाने का मन नहीं कर रहा है। सो मैं चला गया मेरे रूम पे, और बारिश भी होने वाले थे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना।